वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीज खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हमारा वीडियो होने वाला है सहरी टू इफ्तार रूटीन। और आज है 10 अप्रैल, सो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15 और मैंने ये ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। और अभी सहरी का वक्त होने वाला है और सब मम्मी और उमरान भी उठे गए हैं अभी सहरी करने के लिए। और मैं तो वैसे भी जागी भी हूँ बिकॉज़ मेरा ऑफिस है और मेरा शिफ्ट चल रहा है। रात के 11:30 का मेरा शिफ्ट है जो कि सुबह 8:30 को ख़त्म होगा। सो आई एम ऑन माई शिफ्ट राइट नाउ एंड मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ मेरा रूटीन शेयर कर देती हूँ कि कैसे जॉब और रमज़ान चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो अच्छे गुजर रहे हैं और होप सो कि आपके भी अच्छे गुजर रहे। सो ये देखिए, यहाँ पे हो चुकी है, हो रही है सहरी की तैयारी। मम्मी उठ चुके हैं और मम्मी बना रहे हैं पराठे और ये हम खाएंगे सहरी में, चाय और पराठा और मुझे लगता है साथ में दही। और ये मम्मी ने ना आटा रात में ही गूंद के इसके जो पराठे के जो पेड़े रहते हैं ना वो पहले ही बना के मम्मी ने रख दिए थे, बस सुबह उठ के सिर्फ डालना था। ठीक है, सो ये मस्त हमारे पराठे बन रहे हैं। और हम लोग को सिंपल इफ्तार सहरी करने की आदत है, लाइक हम लोग का बचपन से मतलब चाय पराठा और दही मुझे लगता है, तो ये तो हो सकता है वियर्ड कॉम्बिनेशन हो बट मुझे यही अच्छा लगता है। सो हम लोग को यही खाने की आदत है। बट उमरान को जो है ना वो पूरा खाना लगता है, लाइक पुलाव और ग्रेवी राइस समथिंग ऐसा, बट समटाइम्स वो भी खा लेते हैं। सो आज तो हमारा सहरी में कुछ और प्लान बना नहीं था तो आज हम सब ने ही चाय पराठा खा लिया और साथ में मलाई जैम वो सब एक्स्ट्रा जिसको जो खाना है वो खाए, मतलब सबका अपना अपना चॉइस है। सो ये देखिए मेरी सहरी की प्लेट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे है 1 बोल ऑफ कर्ड विथ शुगर और टी है और साथ में है 2 पराठे। और ये मैं ना ऑफिस टेबल पे बैठ के काम करते करते ही मैं सहरी कर लेती हूँ ताकि जब मुझे हाफ़ एन आवर का जब मुझे ब्रेक मिलता है तब मेरी नमाज हो जाती है। और कुछ वक्त ऐसा 5-10 मिनट थोड़ा लेट में मिल जाता तो मैं बैठे बैठे ही सहरी यहाँ पे कर लेती हूँ, मम्मी उमरान अपना कर लेता है। और यहाँ पे देखो हो रही है आरएस की मस्ती। मैं सो गई थी उसके बाद 8:30 को जब मेरा शिफ्ट ख़त्म हुआ तब मैं सो गई थी और फिर मैं 1 बजे उठी एंड मैं दे आरएस बाहर उठ के अपनी मस्ती कर रहा था तो मैंने उसका भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ले लिया। ये देखिए कितनी मस्ती कर रहा है वो इधर पे। What is that? What is that? Goggle. Who's goggle? गिरेंगे यार, किधर पे कितना एज पे खड़े तुम? Aris, how many names of Allah? Very good. Where is Allah's sky? And who is your creator? Aris, who is your creator? सुबह उठते ही फिर आरिस की जो है वो मस्ती चलती रहती है और जहर की नमाज़ हो गई थी और जो मुझे तिलावत करनी थी वो हो चुकी थी। उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैंने सब में पहले बनाया जूस और जूस बना के मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद ये हो रहे थे कुछ 4 बजे का वक्त था और आरिस को काफ़ी भूख लगी थी और अभी ऐसा है ना कि खाने के इसमें कभी कुछ अवेलेबल रहता है कभी नहीं रहता है, कभी राइस रहता है कभी कुछ, तो आज कुछ भी नहीं था। बट मम्मी ने सुबह में ही रोटी डाल दिए थे सो एक रोटी रखी हुई थी आरिस के लिए, सो वो रोटी का मैं यहाँ पे उसको एग रोल बना के दे रही हूँ। कुछ नहीं, सिंपल सा एक एग ब्रेक कर दिया है उसके ऊपर अभी मैं रोटी रख दूँगी और सॉस एंड चीज़ डाल के जो बच्चे लोग को पसंद है वैसे आप रैप करके रोल बना के दे दीजिए, बच्चे लोग इन्जॉय कर लेते हैं अच्छे से खा लेते हैं। सो उसने माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया और पेट भर के उसने खा लिया ये, सो अपना भी टेंशन ख़त्म।
एकदम सिंपल एंड इजी है। कभी कभी ऐसे कुछ अवेलेबल नहीं रहता ना, तो मैं आर एस को एग राइस बना के दे देती हूँ। जस्ट सिंपल जो राइस अवेलेबल रहता है घर में, थोड़ा सा एग को स्क्रैम्बल कर लेती हूँ और उसके ऊपर सॉल्ट पेपर डाल दिए, थोड़ा सा जो राइस अवेलेबल है वो डाल दिए और अच्छे से सॉटे करके उसको मैं एग राइस बना के दे देती हूँ। तो वो इतना अच्छे से इंजॉय करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है एग राइस, एग रोटी, एग रोल। सो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस करना पड़ता है। अलहमदुल्ला वैसे सब खा लेता है आरिस, बट फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो बोलते हैं ना एकदम इजी टू मेक रहती हैं, जो अपना भी हैसल कम कर देती है, तो वैसे आप कर सकते हो अपने बच्चों लोग के लिए भी। सो थोड़ा सा उसको फैंसी और ब्यूटीफुल दिखने के लिए ये उसकी मिक्की माउस वाली प्लेट है। सो इसमें ये देखिए मैंने मस्त में चीज़ रख दिया है और थोड़ा सा सॉस डाल दिया, उसको भी मैं रैप करके दे दूँगी। एग्गू, एग्गू क्या खा रहे? एग्गू रोल क्या खा रहे एरिस? सुनो क्या खा रहे वो? हाँ क्या खा रहे? वाव यम्मी एरिस, टेस्टी है। हाँ अच्छा है। वाव आरिस को मैंने खाने के लिए दे दिया था और उसके बाद फिर मेरी इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई थी। आज संडे है, सो उमरान की भी छुट्टी है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना था मुझे ऐसा, बिकॉज़ नॉर्मली हम दोनों वर्किंग रहते हैं तो तभी कुछ ना कुछ सिंपल ही बन जाता है। तो फिर मैंने पोटैटो और ब्रिंजल के बजे सोचे मैं वो बना लूँ, और फिर मैंने एक आइटम रखा था सूप, और एक मैंने रखा था ड्राई चिकन चिल्ली। बस इतना चार आइटम ही थे, और साथ में जूस था, और बस यही आइटम थे। तो मैंने अपना प्रिपरेशन कर लिया था, सब चॉपिंग वगैरह मैंने कर ली ताकि फिर लास्ट मोमेंट पे ये सब एकदम रश रश ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक बाजू अपना सूप की तैयारी कर रही हूँ, एक बाजू मैं अपने चिकन चिल्ली की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास कुछ चिकन के पीसेस थे 4-5, वो मैंने बॉईल कर लिए थे और उसका स्टॉक बन गया था रेडी, मतलब चिकन में वो चिकन स्टॉक रेडी हो गया था, बिकॉज़ वही पानी फिर मैंने सूप में डाला था। और साथ में ना मेरे पास एक दिन पहले मैंने शवरमा बनाया था, तो उसके भी कुछ श्रेडेड चिकन रखे हुए थे, तो मैंने वो भी सूप में ही ऐड कर दिया, बिकॉज़ अभी इतना सा चिकन रख के मैं क्या ही यूज़ कर लेती उसका और क्या बना लेती। सो वो भी मैंने उसमें डाल दिया। सो ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहिए, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कुछ ना कुछ, एंड यू कैन मेक अनदर डिश विद द लेफ्ट ओवर। सो वो मैंने वहाँ पे सूप बन रहा है, यहाँ पे मैंने जो चिकन चिल्ली के लिए है वो चिकन मैंने विदर पे फ्राई करने के लिए रख दिए है। और यहाँ पे मैं मतलब पूरा रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, सिंपल बस जो जो कैसे बना रहे बस वही मैंने शेयर किया है। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल सॉटे किए, उसके बाद जो मेरे पास चिकन बॉइल्ड था प्लस जो लेफ्ट ओवर चिकन था वो ऐड कर दिया। साथ में देखिए यहाँ पे मैं चिकन स्टॉक और ऐड कर रही हूँ, फिर सॉल्ट पेपर मैंने ऐड किया, और अगर आपके पास चिकन क्यूब होगा तो वो भी आप डाल सकते हो, उससे काफ़ी जो है ना टेस्ट एनहांस हो जाता है, तो वो मैंने ऐड कर दिया था बस। और इसको अच्छे से कुक कर लिया, और उसके बाद लास्ट में इफ्तार के एक 10 मिनट्स पहले मैंने उसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के डाल दी थोड़ा थिक होने के लिए। ये अपना ये यहाँ पे हमारा सूप रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए मैं पहले अभी चिकन फ्राई करके लूँगी, सो एक एक करके मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है, जैसे कि है अपना ऑनियंस, कैबेज और है कैप्सिकम, इन सबको मैं हाई फ्लेम पे सॉटे कर रही हूँ। इसमें मैंने फिर सोया सॉस, चिली सॉस, हाफ टी स्पून ऑफ विनेगर मैंने ऐड किया, शेजवान चटनी जो चिंग्स की आती है, शेजवान सॉस, चटनी जो भी बोलते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी फ्राइड चिकन थी वो मैंने ऐड कर दी, वो ऐड करने के बाद उसमें फिर कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के डाल दी। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा चिली सॉस बचा हुआ था बॉटल में, सो मैंने उसमें पानी ऐड किया एंड वो भी मैंने उसमें डाल दिया, क्योंकि बिकॉज़ वी डोंट लाइक वेस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। एंड देन फिर एक्स्ट्रा जब मुझे चिली सॉस लगा तो वो मैंने न्यू बॉटल से ऐड कर दिया। सो ये वेजिटेबल सॉटे हो रहे हैं और ये चिकन चिल्ली देखिए हमारी बन के रेडी हो चुकी है, बहुत सिंपल एंड इजी है।
सो इसलिए मैंने इसका कुछ रेसिपी शेयर नहीं किया है। और अभी रोज़ा खोलने को कुछ बचे थे सिर्फ 20-25 मिनट्स, और फिर मैंने मम्मी की हेल्प ले ली यहाँ पे। मैंने मम्मी को बोला कि आप भजिए फ्राई कर दीजिए, सो शी इज़ हेल्पिंग मी आउट। सो यहाँ पे मम्मी भजिए फ्राई कर रहे हैं। बाकी सारी तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी। सो ये है हम लोग की इफ्तारी आज की। और आरिस जैसे ही दस्तर लगता है सब में पहले आरिस का शुरू हो जाता है। वो अपना कुछ कुछ लेके खाता है, नहीं इन्जॉयज हैविंग जूस विथ अस एवरी डे। तो कुछ ना कुछ जूस रहता है, या रू अफ़ज़ा या टैंग या समथिंग, तो उसको वही पीना रहता है बस। बच्चे लोग को लाइक यू नो कि उनको जूस और ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, सो वो इसीलिए बस बैठा रहता है। सो ये एकदम अभी रोज़ा खोलने के लिए बस कुछ ही वक्त बचा है, और हम सब बैठ चुके हैं, दस्तर हमारा लग चुका है माशाल्लाह। पुल योर लेग्स एंड सिट। देख लिया उसने। It's cold, Aris. Very, very cold. Very, very cold. Sit, sit, sit properly. Sit sure, properly. Hold your legs. Hold your legs. सो कुछ इस तरह से हमारी इफ्तारी की प्लेट लग रही थी, साथ में पाव तो चाहिए, सो पाव भी था। होप सो कि आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।